हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम ऐसा प्रश्न जो एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी धूम मचा चुका है। हमेशा परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता रहता है। प्रश्न क्या है, देखो। एक समूह में 25 अध्यापक, 20 अभियंता, 18 डॉक्टर व 12 सेल्समैन एक मेला देखने गए और सभी ने कुल मिलाकर के 1,330 रुपये खर्च किए। यह पाया गया कि 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया और 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टरों के बराबर खर्च किया तथा 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया। यदि समान व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं तो प्रत्येक अभियंता द्वारा व्यय राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन एक दे रखा है 14 रुपये, ऑप्शन दो दे रखा है 18 रुपये, ऑप्शन तीन दे रखा है 17.50 रुपये और ऑप्शन चार दे रखा है 21 रुपये। यहां ये कहना चाहती है समान व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं। इसका अर्थ है एक अध्यापक मान लिया 10 रुपये खर्च करता है तो ये सारे अध्यापक 10-10 रुपये ही खर्च करेंगे। देखो कैसे करते हैं प्रश्नों को। देखो थोड़ा बड़ा प्रश्न है हल करने के लिए। अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर और सेल्समैन, आपको याद क्या करना है? अभियंता द्वारा, यानी इसका आपको अभियंता द्वारा कितना खर्च करते हैं वो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको मानना है कि एक अध्यापक X रुपये खर्च करता है, उसके बाद में अभियंता Y रुपये खर्च करता है, डॉक्टर Z रुपये खर्च करता है और सेल्समैन P रुपये खर्च करता है। अगर एक अध्यापक X रुपये खर्च करेगा तो कुल 25 अध्यापक हैं तो ये 25 अध्यापक 25X रुपये खर्च करेंगे। उसी प्रकार अभियंता कुल कितना है, 20 है तो कुल खर्चा आ जाएगा 20Y। उसी प्रकार एक डॉक्टर अगर Z रुपये खर्च करता है तो 18 डॉक्टर करेंगे बराबर में 18Z। उसी प्रकार सेल्समैन 12 है तो 12P आ जाएगा बराबर में इनके द्वारा, इन सभी समूहों के द्वारा 1,330 रुपये खर्च होते हैं तो बराबर में रख देते हैं 1,330। ठीक है, उसके बाद में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको मान किसका ज्ञात करना, अभियंता, यानी आपको इस वाई को नहीं हटाना है, वाई को अपनी जगह रखना है, इस एक्स को भी हटाना है, जेड को भी हटाना है और पी को भी हटाना है। ठीक है, और ये कैसे हटाएंगे इन इन तीनों को, इनको हटाएंगे, ये आगे लाइन दे रखी है, 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया और 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टरों के बराबर खर्च किया तथा 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया। इसके द्वारा हम अध्यापक, डॉक्टर और सेल्समैन को, यानी एक्स, जेड और पी को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात ये देखते हैं। देखो यहां पर आते हैं, सबसे पहले 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया है। 5 अध्यापक, यानी अगर एक अध्यापक X रुपये खर्च करता है तो 5 अध्यापक खर्च करेंगे बराबर 5X, तो यहां रखेंगे 5X बराबर। उसके बाद में अगर एक अभियंता Y रुपये खर्च करता है तो 4 अभियंता खर्च करेंगे बराबर में 4Y, तो यहां Y का मान आ जाएगा Y बराबर में 5X/4। तो आपको एक ही बात ध्यान करनी है, X की जगह रखना होगा, यानी आपको X को हटाना है, इसलिए X बराबर में रख देंगे 4Y/5, यानी आपको X की जगह ये मान रख देना है। तो यहां देखो 25 आ रहा है, 25 × 4Y/5, 4Y/5 प्लस 20Y प्लस 18Z, ठीक है, प्लस 12P बराबर में 1,330। ये यहां पर 5 हो रहा है, ये देखो यहां पर होगा 20Y प्लस 20Y, ये हो जाएगा 40Y प्लस 18Z। ठीक है, उसके बाद में 12P बराबर में 1,330, यहां तक लिख दिया है। अब देखो सबसे लास्ट में दिया गया वो बात लेते हैं। देखो आगे 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया है। ठीक है, यानी ये बीच वाले को एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया है। अब एक डॉक्टर Z रुपये खर्च करता है तो 6 डॉक्टर करेंगे 6Z बराबर में, एक सेल्समैन अगर P खर्च करता है तो 8 सेल्समैन करेंगे बराबर में 8P कर देंगे, 8P खर्च कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, देखो हम P को हटा देते हैं,
क्या कर देंगे, पी को हटा यानी पी का मान चेंज कर देते हैं, यहां आ जाएगा 6z/8 बराबर में पी। तो आप क्या करोगे, देखो पी की जगह ये मान रख देंगे, तो यहां आ जाएगा 40y + 18z + 12 यहां हल करेंगे 6z/8 बराबर में 1330। ठीक है, आगे इनको हल करना है, यहां देखो 4 का भाग 2 बार जाएगा और यहां 4 का भाग जाएगा 3 बार, ठीक है, और यहां भाग गया है 3 बार, ये आ गया 9z, आ गया 9z 18z हो गया 27z, तो 4y + 27z ठीक है बराबर में हो रहा है 1330 रुपए, 1330। अब बीच में क्या बचा है, देखो एक ही बात बची है, 12 अभियंताओं ने, एक अभियंता वाई रुपए खर्च करता है, तो 12 अभियंता करेंगे 12 वाई बराबर में 9 डॉक्टर, एक डॉक्टर जेड रुपए खर्च करता है, तो 9 डॉक्टर कर देंगे बराबर में 9z। तो मैंने कहा ना वाई के मान को आपको चेंज नहीं करना है, अब इसमें क्या करेंगे, जेड के मान को चेंज कर देंगे, यहां 12y/9 बराबर में आ जाएगा यहां पर जेड, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो जेड की जगह मान रख देंगे 12y/9, तो यहां आ जाएगा 40y ठीक है प्लस आएगा 27 × जेड की जगह आ जाएगा 12y/9 बराबर में 1330। ठीक है, यहां देखो दोनों में 3 का भाग जाएगा, यहां 3 बार गया और यहां जाएगा 9 बार, ठीक है, और यहां जाएगा 4 बार, ये हो गया 36y + 40y बराबर में कितने हो गए, देखो 40 और 36y हो गए, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 36y बराबर में 1330, तो वाई का मान आ जाएगा 1330/36y बराबर में इसका आंसर आ जाएगा 17.50 रुपए, यानी ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका अर्थ क्या है, एक अभियंता द्वारा 17.50 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समय में 25 अध्यापक है, 20 अभियंता है, 18 डॉक्टर है और 12 सेल्समैन है, ये मेला देखने जाते हैं और इनके द्वारा मिलकर के 1330 रुपए खर्च किए जाते हैं। अब आपके सामने ये 2-3 शर्तें दी गई है, 5 अध्यापक ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया है, 1 अध्यापक ₹X खर्च करता है, तो 4 तो यहां आ जाएगा, देखो 5X आ जाएगा, उसी प्रकार एक अभियंता ₹Y खर्च करता है, तो 4 आ जाएगा 4Y, तो यहां किसका मान ज्ञात कर लोगे, X का मान 4Y/5, ये 5 बार में चला गया, ठीक है, एक तो आपको इसका x का मान आपको चेंज करना है। उसके बाद में देखो आगे लिखा है 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टर के बराबर खर्च किया है, 12 अभियंता यानी एक अभियंता ₹Y खर्च करता है, तो यहां 12 का क्या हो जाएगा, देखो एक बात देखो ये बात आपको जान करनी है, 12Y बराबर में 9z, ठीक है, तो y का मान यहां क्या आ जाएगा, देखो जेड का मान ज्ञात करना है, तो 12y/9 आ गया। आपको एक ही बात ध्यान करनी है, अभियंता यानी वाई का मान आपको इसमें नहीं हटाना है, बाकी सारे के सारे मान इसमें हटाने हैं। और लास्ट में पूछा है 6 डॉक्टर ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया है, अगर एक डॉक्टर जेड रुपए खर्च करता है और एक सेल्समैन पी रुपए खर्च करता है, तो 6 डॉक्टर का आ जाएगा बराबर में 6z और 8 सेल्समैन का 8p आ जाएगा, इसमें पी का मान 6z/8, ठीक है, ये एक एक देखो ये पी का मान, तो आपके सामने 3 मान ज्ञात हो गए, एक्स का मान और जेड का मान और पी का मान, इस प्रकार ये मान इसमें रखते जाएंगे और इसके उत्तर प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक अध्यापक मान लिया मैंने ₹X खर्च करता है, एक अभियंता ₹Y खर्च करता है, एक डॉक्टर ₹Z खर्च करता है, एक सेल्समैन ₹P खर्च करता है, ठीक है, तो 25 अध्यापक बराबर में 25x, 20 अभियंता 20y, 18 डॉक्टर 18z और 12 सेल्समैन 12p बराबर में 1330। सबसे पहले मैंने क्या किया है, x का मान देखो ये लिखा है, ये चेंज कर दिया 4y/5, ठीक है, उसके बाद में इनको हल किया, ये बना 40y + 18z, ठीक है, 12p बराबर में 1330। आगे उसके बाद में और 40y है, अब की बार मैंने क्या कर दिया, देखो ये p की जगह मान रख दिया 6z/8, ठीक है, पूरा हल किया, ये हो गया यहाँ पर 27z हो गया बराबर में 1330। सबसे लास्ट में z का मान 12y/9 जैसे यहाँ रखा है, तो यहाँ मान आ गया, ये देखो 36 और 40 बराबर में 1330 और y का मान जैसे ये भाग में जाएगा मान आ जाएगा 17.50। इसका अर्थ है एक अभियंता बराबर में 17.50 रुपए खर्च करता है, उत्तर आएगा हमारा 3।
ये होता है हमारा प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न बड़ा है लेकिन प्रश्न है बिल्कुल सरल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।